हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन प्रियंका। और मैं हूँ प्रियंका। तो आ चुकी हूँ वापस आज एक नए वीडियो को लेकर आप सबके सामने। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आप लोगों को मेरा आवाज अच्छा मतलब सुनाई दे रहा है कि नहीं अच्छे से, ये बोलना, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत खराब है। 2-3 दिन से गला पूरा बैठ गया है और ऊपर से सर्दी खांसी और फीवर जैसा फील हो रहा है। मेडिसिन खा रही हूँ मैं, लेकिन इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पा रही हूँ। मैं, मेरी बेटी, हस्बैंड, सभी का तबीयत खराब है, मेरा अभी कुछ ज्यादा ही खराब है। तो चलिए, वीडियो को तो स्टार्ट कर दिया है, अभी क्या क्या करती है दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे सब्जी काट लिया है, यहाँ पे सब्जी का छिलका है भिंडी का, तो आज भिंडी भाजी होगा और करेला भाजी होगा और थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, चिंगड़ी माछ को क्या बोलते हैं, चिंगड़ी माछ बोलते हैं हम उसको, श्रिम्प होगा, झींगा, झींगा हिंदी में झींगा बोलते हैं और इंग्लिश में श्रिम्प। तो उसका नारियल के साथ, आपको रेसिपी मैंने आप लोगों को शेयर किया था पहले, वो वाला ही रेसिपी होगा आज। नारियल और मस्टर्ड, रॉ मस्टर्ड पेस्ट में वो झींगा बनाएंगे, वही होगा, सिंपल होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और थोड़ा सा दाल होगा। तो देखिए, मैं तो यहाँ पे सब्जी अभी काट लिया है, बैठ गई हूँ, काटना कंप्लीट हो गया है और आपके भैया वहाँ पे किचन में कुकिंग कर रहे हैं। तो मेरा तबीयत 2 दिन से इतना खराब है, तो वही सब कुछ मतलब करके मेरे को दे रहे है, मेरे को उठा नहीं जा रहा। मुझे लगता है कि सोते रहे, अगर सोते रहे तो अच्छा रहता है, मतलब बहुत शरीर कमजोर हो गया है। तो मैंने सोचा था कि वीडियो नहीं करूंगी, फिर सोचा कि वीडियो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पोस्ट क्या करूंगी, है ना। तो चलिए, स्टार्ट तो कर लिया है वीडियो को और आगे आगे जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं उतना ही आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोगों को आई थिंक वीडियो अच्छा लगेगा। और जो लोग नए हो मेरे चैनल में, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल बटन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे अपडेटेड वीडियो का। तो चलिए, अभी चलते हैं किचन में। देखिए गाइस, यहाँ पे प्रीता क्या कर रही है। तुम काम कर रही हो या फिर सॉन्ग सुन रही हो? ये देखो देखो गाइस, मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं क्या कर रही थी, देखो। तो ये यहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप पे सॉन्ग सुन रही है और यहाँ पे काम कर रही है, स्कूल का कंप्यूटर का काम कर रही है ना। तो जाओ, तुम्हें भी नहाने चले जाओ, 1 बज गए हैं, जाओ नहाने चले जाओ, नहा के आओ। और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे पूछकी क्या कर रही है। पूछकी यहाँ पे बैठ के अपने पापा का कुकिंग देख रही है, कुकिंग अच्छे से हो रहा है कि नहीं, है ना पूछकी। देखो तुम्हारे पापा अच्छे से कुकिंग कर पा रहा है कि नहीं, ये देखिए आपके भैया, आप लोगों के भैया क्या कर रहे हैं। हेलो भैया जी, आप क्या कर रहे हैं? अब थोड़ा आ गया, ये तो सब कुछ सुन पाएगा। भैया जी बताइए, आप क्या कर रहे हैं? भैया जी मैं डॉगीज रेसिपी बना रहा हूँ। डॉगीज रेसिपी क्या होता है? आप, आपके भैया जी अभी जो रास्ते कर जो हम लोग देते हैं डॉग को खाना, और हमारे लुकी का भी खाना प्रेशर कुकर में भी चिकन बॉईल होगा, हल्दी डाल के सिर्फ चिकन बॉईल होगा। तो देखिए वो अभी आज आज हमारे घर का कुक है। तो देखिए आपके भैया जी ही आज कुक है हमारे घर का, वही सारा खाना बनाएंगे आज। ठीक है शेफ जी, महाराज। ओके महाराज जी, आप खाना बनाइए। और तो यहाँ पे सब्जी वब्जी मैंने काट के दिया है, थोड़ा सा हेल्प मैंने किया है, अभी फिश भी मैं धो के देती हूँ और आप बना लीजिए। चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है दिखा देते हैं, थोड़ा सा करेला, करेला फ्राई हो रहा है, करेला भाजा करेला फ्राई हो रहा है यहाँ पे। क्या
पूछा यहाँ पे हमारे क्या बोलते गार्डन का फ्लावर एक फूल दूसरे फूल को उठाया ओह माय गॉड एफ डबल ओ एल एफ डबल ओ एल फूल बोले थे नॉट और यहाँ पे चिकन गुल्लू बुच्ची का बॉईल होने के लिए रख दिया है तो गाइस देखिए आपके भैया आज बाजार से लाए हैं ये पॉम्फ्रेट छोटा छोटा साइज का पॉम्फ्रेट है और जो दाम है ना बाजार का क्या बोले मतलब इतना सब चीजों का दाम बढ़ गया है क्या ही बोले हम गरीब लोग क्या खाएंगे पता नहीं तो ये है यहाँ पे है झींगा ये भी 400 रुपए के किलो है ये भी 400 रुपए किलो है इतना छोटा छोटा फिश 400 रुपए किलो ठीक है तो आधा किलो टेस्ट करके लाए हैं वो तो आज बनेगा श्रिंक और इसको हम डब्बे में डाल के डीप फ्रिज में रख देंगे ये कल या परसों बनेगा जल्दी बनेगा ठीक है फिश मैंने धो के रेडी कर दिया है अभी वो करेंगे कुकिंग आज मेरी कुकिंग से आजादी है यहाँ पे भाजी हो रहा है हमारा ऐसा ही कुछ मीनी ने बोलने कहा इसलिए मैंने कह दिया हमारा भाजी ये मेरा पैर ये हाथ ये कुछ ब्रेन का टुकड़ा तो गाइस देखिए आपके भैया तो मेरा डिपार्टमेंट आज संभाल रहा है और मैं क्या कर रही हूँ अभी गुल्लू बुच्ची का ये लो माचा दे रही हूँ मतलब गुल्लू बुच्ची का जो हेयर है वो कोम कर रही हूँ ठीक है क्योंकि वो वहाँ पे है तो उसको करने में टाइम लगेगा अभी देर बच गए है गुल्लू बुच्ची को खिलाना भी पड़ेगा पिता नहा के आ चुकी है वो पूजा करेगी अभी और क्या हम लोगों का तो कुकिंग आपके भैया का कुकिंग मतलब ऑलरेडी हो चुका है अभी चिंगड़ी माछ को फ्राई कर लिया है उसने बस सिर्फ मस्टर्ड एंड कोकोनट पेस्ट से उसको थोड़ा सा ये कर लेंगे बस सौते कर लेंगे हो जाएगा फिर क्या गुल्लू बुच्ची को खिलाएंगे फिर बाहर के सारे बच्चों को खाना देने जाएगा आपका भैया फिर नहा के हम सब भी खाएंगे चलिए पहले गुल्लू बुच्ची का हेयर कॉम कर लेते हैं और देखिए बुच्ची तो यहाँ पे है गुल्लू के देखिए कैसे सो रही है आपके घर में जिन जिन के घर में डॉग है मेरे को कमेंट करना आपके डॉग भी क्या ऐसे सोते हैं और देखिए गाइस कितना हेयर अभी उन लोगों का मतलब झड़ रहा है क्योंकि सीजन वेदर चेंज हो रहा है ना तो इसीलिए आपके पास अगर कोई अच्छा सा कुछ हो जो मतलब जो लगाने से हेयर उन लोगों का और भी स्ट्रांग होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मैं भी इन लोगों के ऊपर अप्लाई करूँगी वो अगर कोई ट्रिक हो या फिर कोई मेडिसिन हो कुछ मुझे ज़रूर बताना ठीक है इन लोगों के ये हेयर की वजह से तो हमारा हालत पूरा ख़राब हो गया हर जगह ये हेयर एफआर हर जगह रहता है चलिए फिर कर लेते हैं काम फिर आपसे मुलाकात करेंगे थोड़ी देर बाद यार सारा दिन कितना काम करना पड़ता है ये लड़की सिर्फ बैठे रहती है और इसके मार दी वाह वाह दस जोकिंग और लग रहा है इसको कितना काम करना पड़ता है इस बच्चे को इतना काम करते हैं फिर भी मेरा बीवी मुझको सिर्फ 3 टाइम ही खाना देती है দেখাও কে বলছো কি হ্যাঁ মুখটা ভালো লাগছে তো এই দেখি গাইস আমি নাহানা নেই হুয়া হে আর খানা বানা বানানা কমপ্লিট হো চুকা হে আপকে ভাইয়া ভি হু আমার যে বার্ড সে উন লোগো কো খানা পানি সব দে রহে হে আর মে ইয়া পে ই কিয়া বলে ইসকো চকলি হাম লোগ বলতে হে বাদাম পাটালি गुड़ के साथ बादाम दे के बनाया जाता है ये मेरा है ये पीठा का है
बहुत टेस्टी है। और ये पिता के पापा का है, वो आके खाएंगे। हम लोग थोड़ा स्नैकिंग कर रहे हैं, अभी भूख लग गई है। ये भूखे दो कुत्ता, ये लोग भी खा रहे हैं। ये छोटी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है, देखिए। ये बिल्ली बिल्ली मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा किरे आई। ओ पुचकू कुचकू, ओ पुचकू कुचकू, पुचकू कुचकू, ओ खिदे बेचिल मामा, खिदे बेचिल मामा, पुचकू कुचकूटार खिदे बेचिल मामा ता। अरे बाबा दे, यहाँ पे खड़ी है पहाड़ पे, कान खा रहा है, कान कान खा रहा है। और दो नहीं आया है आज, सारा दिन पूरा बारिश हो रहा था। तो गाइस देखिए, यहाँ पे पिता का लंच दे दिया है मैंने, सर्व कर दिया है। यहाँ पे है करेले का भाजी, भिंडी भाजी, और यहाँ पे है चिंगड़ी माछ सर्षे एंड कोकोनट के साथ, मस्टर्ड और कोकोनट के साथ जो प्रॉन का कड़ी बनाया है वो तो दे दिया है। और राइस है यहाँ पे, और दाल भी है, लेकिन वो दाल नहीं खा पसंद करती इतना। तो देखिए गाइस, पिता यहाँ पे बैठ गई है लंच पे। और थोड़ा सा चख के बताओ तुम्हारे पापा ने कैसा बनाया है लंच। बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि राइस अभी मैंने उतारा है। और ये जो कोकोनट मस्टर्ड के साथ जो बनाया है फिश का करी टाइप ऑफ, ये बहुत ही टेस्टी बना है। मैंने भी थोड़ा सा चख के देखा है। तो चलो तुम्हें भी खा लो, लंच कर लो। और यहाँ पे देखिए ये पागल इंसान क्या कर रहा है, पागल कुत्ता, पागल कुत्ता क्या कर रही है। ये पापा को बोल रही है बापी भालो हुई ची रान्ना। तो गाइस अभी हो चुका है शाम, और शाम को बेटी पढ़ने गई है, ठीक है। और मैं कुछ मतलब वीडियो शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि खाना खा के फिर थोड़ा सा सो गई थी। और अभी देखिए चाय पी रहे हैं, यहाँ पे है मेरा ग्रीन टी, और आपके भैया का है यहाँ पे मिल्क टी, और वो अभी मेरा वीडियो बना के दे रहे हैं। अभी मैं फोन पे अपने सासू माँ के साथ वीडियो कॉल में बात कर रही हूँ। ये है मेरी सासू माँ, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं, फिर पीठा आएगी तो उसको क्या बोलते हैं मॉर्निटर बना के दूंगी। तो चलिए अभी चाय पी लेते हैं, और फिर क्या करते हैं आपको नेक्स्ट दिखाएंगे। वीडियो बहुत ही बोरिंग है आज, क्योंकि इंटरेस्टिंग कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि तबीयत भी अच्छा नहीं है। तो चलिए पहले चाय पी लेते, ठीक है। तो गाइस देखिए पिता यहाँ पे आ चुकी है पढ़ाई करके, और देखिए पढ़ाई करके आ चुकी है वापस। और यहाँ पे देखिए मेरे लिए चावल लाई, आप लोग बताइए एफ डबल ओएल फूल के लिए पी एच डबल ओएल फूल लाया है तो कैसा लगा। बहुत सुंदर है, तुम क्या कर रही हो। अभी मैं कर रही हूँ बर्तन मांज रही हूँ, बुच्की का और रात का डिनर करवा दिया है। सही से काम करो नहीं तो तुम्हारा महीना कट जाएगा। अच्छा तुम मुझे कौन सा महीना देते हो भाई, एक पैसा भी देते हो। फ्री में काम करती हो। हाँ वही तो एक बात है, आप लोग शादी मत करना भैया। शादी करोगे मतलब भैया के नहीं बोल रही, भैया के लिए नहीं बोल रही, बहना के लिए, भैया की बीवियों के लिए बोल रही हूँ। शादी करोगे तो घर में जाओगे ससुराल, वहाँ पे फ्री का नौकर मिल जाएगा, ठीक है। शादी करके फंस गए यार, अच्छा खासी थी कवारी। कवारी अच्छी थी, सभी अच्छी थी। नहीं वैसे मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, ये सब बोलने के लिए मुझे 2 रुपया दे दिया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो
चलो सब काम हो गया है। देखो इतना बड़ा दिलदार लड़की तुम लोग को देखने में मिलेगा, मिला है उसको एक रुपया, लेकिन बोल रही है दो रुपया। गाइस ये सब बर्तन वर्तन साफ कर लेंगे फिर आज डिनर में, बहुत इंटरेस्टिंग है आज डिनर, बहुत खुश हो गया, बहुत दिनों बाद हमने वाओ मोमो ऑर्डर किया है, अब दिखाएंगे, अब लोगों को भी दिखाएंगे, देंगे नहीं। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पे डिनर लेके आ चुकी हूँ, जो आज हमने ऑर्डर किया है वाओ मोमो से, ये देखिए जोमेटो से ऑर्डर किया है, ये है चिकन चीज पैन फ्राइड मोमो, और मेरा भी सेम है, हम दोनों सेम सेम ही खाते हैं। और यहाँ पे है चिकन चीज समथिंग कुछ मोमो है, नाम नहीं अभी याद आ रहा है। और यहाँ पे पीथा का है पैन फ्राइड, नहीं वो तीखा नहीं खा सकती तो इसीलिए उसका फ्राइड है, चिकन चीज फ्राइड मोमो, और उसका भी एक एक चीज ये है। और यहाँ पे है एक बर्गर, तो आप सोचिए आज हमने क्यों इतना सारा मोमो ऑर्डर किया है, क्योंकि आज हमको 99 ऑफर में मिला है, 99 में सब मोमो है आज, ठीक है वाओ मोमो में, जोमेटो में ऑफर मिला है, तो इसीलिए हमने बहुत सारा मोमो ऑर्डर कर लिया है, और अभी हम लोग खाएंगे, बहुत दिनों के बाद वाओ मोमो ऑर्डर किया है। यहाँ पे है एक लिया है मैंने, क्या बोलते हैं इसको, मोबर्ग चिकन चीज मोबर्ग, तो ये खाएंगे हम सब लोग, थोड़ा थोड़ा मिल बांट के खाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पे खाते खाते ही एंड कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेंदी हो चुका है मतलब। तो फिर आपसे मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए सब अच्छे से रहिए, सबका ख्याल रखिए, सबके साथ मिलकर रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और हम सब मिलकर खाएंगे ये, हाँ अब मैं अकेले नहीं खाऊंगी, ठीक है बोल देती हूँ, चलो बाय।